जी हाँ, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो प्रोजेक्ट को। दो प्रोजेक्ट के बारे में आज हम रिव्यू देने वाले हैं, समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू एंड जेएम फ्लोरेंस। दोनों ही प्रॉपर्टी आपकी रेडी टू मूव हैं। दोनों ही प्रॉपर्टी सेम लोकेशन पे आ जाती है, सेक्टर टैक्जन 4 नियर बाय एक मूर्ति सर्कल। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ये ऑपरेशनल प्रोजेक्ट आ जाता है, जिसके अंदर स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम वगैरह, मार्केट वगैरह सारी चीज़ ऑपरेशनल देखने को मिल जाती है। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम भुवनेश शर्मा, आप मेरे चैनल देख रहे हैं माई चॉइस प्रॉपर्टी। बात करते हैं जेएम फ्लोरेंस प्रॉपर्टी की, तो जिसकी टोटल लैंड आती है 8.5 एकड़ के अंदर। अगर हम बात करें समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू की, तो इसकी जो लैंड आती है टोटल 7 एकड़ के अंदर आती है। तो इस जगह आपका जेएम फ्लोरेंस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू, तो उसका स्पेस कम आता है, ओनली 7 एकड़ के अंदर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं टावर की, तो 8.5 एकड़ के अंदर जो कि जेएम फ्लोरेंस की सोसाइटी है, उसके अंदर टोटल आपके 11 टावर आ जाते हैं। अगर हम वहीं बात करें समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू की, तो उसके अंदर 7 एकड़ के अंदर टोटल जो आपके टावर आते हैं 13 टावर आ जाते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 13 टावर 7 एकड़ के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं जेएम फ्लोरेंस 8.5 एकड़ के अंदर, जिसके अंदर 11 टावर दिए हुए हैं, तो इस जगह हम बात करें तो जेएम फ्लोरेंस अच्छा प्रोजेक्ट आ जाता है, खुला प्रोजेक्ट है, टावर भी कम है। वहीं अगर हम बात करें समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू, तो उसके अंदर आपके लैंड कम है 7 एकड़ के अंदर, जिसके अंदर 13 टावर दिए हुए हैं। तो ये माइनस पॉइंट है समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू के लिए। अब हम आगे चलते हैं बिल्डर की। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डर के बारे में। तो बिल्डर जेएम हाउसिंग बिल्डर है। इन्होंने ऑलरेडी रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट काफ़ी इन्होंने डिलीवर्ड किए हुए हैं। इन्होंने सेक्टर 74 के अंदर, सेक्टर 76 के अंदर, नोएडा के अंदर, वैशाली, गाजियाबाद के अंदर इन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हुए हैं, जो कि फैमिली रह रही है। अब इनका एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है सेक्टर 140A के अंदर। वहीं अगर हम बात करें समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू, तो ये बिल्डर नए बिल्डर आते हैं इस इंडस्ट्री में। फर्स्ट प्रोजेक्ट आया इनका समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू, एंड सेकंड प्रोजेक्ट इनका अंडर कंस्ट्रक्शन में आ जाता है सेक्टर 115 नोएडा के अंदर। अब हम बात करते हैं जेएम फ्लोरेंस की, तो जेएम फ्लोरेंस प्रोजेक्ट आपका वन साइड ओपन आ जाता है। अगर हम उसी जगह बात करते हैं समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू की, तो इसकी लोकेशन काफ़ी प्रीमियम आ जाती है, क्योंकि 130 मीटर वाले रोड को भी फेस करते हैं, एंड सेकंड फेसिंग इसकी सर्विस रोड पे आ जाती है। तो टू साइड फेसिंग में ये आपका प्रोजेक्ट आ जाता है, एंड इसके साथ ही साथ आपको लगती है 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट मिल जाती है। तो इस जगह समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू काफ़ी अच्छा व्यू आ जाता है, अगर आप वहाँ पे फ्लैट लेते हैं 2 BHK या 3 BHK, जो कि गौर सिटी से एक मूर्ति से आगे के लिए रोड जा रहा है 130 मीटर वाला, जिस पे अपकमिंग मेट्रो भी आनी है, तो उसका व्यू काफ़ी शानदार रहेगा। तो इसमें प्लस पॉइंट मिलते हैं समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू को, यहाँ पे माइनस पॉइंट मिलते हैं आपको जेएम फ्लोरेंस को, क्योंकि वन साइड ओपन आ जाती है। अब हम चलते आगे की तरफ। अगर इसके अंदर हम टोटल यूनिट की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो जेएम फ्लोरेंस के अंदर यूनिट आती है 1300 प्लस में यूनिट आ जाती है। अगर हम उसी जगह बात करते हैं समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू की, तो इसके अंदर 1100 के प्लस में आपकी यूनिट आ जाती है समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू। तो इस जगह अगर हम बात करते हैं, तो इस जगह आपकी समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी काफ़ी अच्छी आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर यूनिट कम आ जाती है। अगर हम बात करें एक फ्लोर पे फ्लैट की, तो एक फ्लोर पे आपके जेएम फ्लोरेंस के अंदर 6 फ्लैट आ जाते हैं। बीच का स्पेस काफ़ी अच्छा आ जाता है, काफ़ी अच्छी लॉबी बनाई हुई है। अगर उसी जगह हम बात करते हैं समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू की, तो उसके अंदर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट आ जाते हैं। अगर लॉबी की बात करें, तो लॉबी के अंदर आपको खुद कुछ ज़्यादा खास देखने को मिलेगा नहीं, सिंपल सी लॉबी दी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ दोनों को, तो मेरे को सबसे बेस्ट जो लॉबी लगेगी जेएम फ्लोरेंस की लगेगी। एक उसमें फील आएगा, आपको ओपन स्पेस भी देखने को मिलेगा। वहीं उसी जगह अगर हम बात करें समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू की, उसके अंदर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट आते हैं, बट आपको फील नहीं आएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस लगेगा। तो उस जगह माइनस पॉइंट में मानूंगा समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू को। अब हम चलते आगे की तरफ। अगर हम बात करें यहाँ पे क्लब हाउस की,
तो क्लब हाउस इसके अंदर जो दिया हुआ है समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू के अंदर ओनली ग्राउंड फ्लोर पे क्लब हाउस दिया हुआ है, उसके जस्ट सामने आपका स्विमिंग पूल आ जाता है। उसी जगह अगर हम बात करते हैं जेएम फ्लोरेंस की, तो उसका क्लब हाउस ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट हो गया एंड टॉप फ्लोर हो गया, तो तीन फ्लोर का आपका क्लब हाउस आ जाता है, जिसके अंदर किड्स एरिया हो गया, जिम हो गई, पार्टी हॉल हो गया, ऊपर रेस्टोरेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसी जगह अगर हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू, उसके अंदर भी सारी फैसिलिटी आ जाती है। अगर हम मैं क्लब हाउस को कहीं ना कहीं बात करें तो ज़्यादा अच्छा देखने को आपको जेएम फ्लोरेंस का क्लब हाउस मिल जाता है। स्विमिंग पूल की बात करें तो स्विमिंग पूल भी दोनों का मैं अगर कंपेयर करूँ, जो स्विमिंग पूल दिया हुआ है मछली की शेप में दिया हुआ है, काफ़ी जगह कंपेयर करें समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू तो उसका स्विमिंग पूल काफ़ी छोटा आ जाता है। तो यहाँ पर भी माइनस पॉइंट है समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू के लिए, उसमें भी जेएम फ्लोरेंस आगे निकल गई है। अगर हम बात करें दोनों प्रॉपर्टी के बारे में, तो दोनों प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ ओपन है, रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, रेडी टू मूव सोसाइटी आ जाती हैं, तो ये दोनों के लिए प्लस पॉइंट है, सेम ही है, बराबर है। अगर हम फ्रंट पे कॉमर्शियल मार्केट की बात करें तो इसकी जो मार्केट दी हुई है समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू की, ओनली ग्राउंड फ्लोर पर दी हुई है, ओपन मार्केट दी हुई है, मार्केट भरी हुई है, अच्छी मार्केट है। अगर मैं उसी जगह कंपेयर करूं जेएम फ्लोरेंस से, तो आपको ज़्यादा अच्छी मार्केट देखने को मिलेगी जेएम फ्लोरेंस की, क्योंकि उनकी लोअर ग्राउंड पे मार्केट दी हुई है, ग्राउंड पे दी हुई है, फर्स्ट फ्लोर पे दी हुई है। ओपन एरिया वॉकिंग डिस्टेंस का आपका जो एरिया दिया हुआ है काफ़ी ज़्यादा एरिया दिया हुआ है, शेटिंग का एरिया बनाया हुआ है, शाम के टाइम आप आराम से जा कर के वहाँ पर बैठ सकते हैं, तो वो ज़्यादा काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है और काफ़ी अच्छे से मॉडिफाई किया हुआ है, तो वो ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा देखने में। तो इस जगह अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो जेएम फ्लोरेंस ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे भी आपकी समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू पीछे हो जाती है। तो आगे चलते आगे की तरफ, क्या क्या प्लस पॉइंट आ जाते हैं दोनों के अंदर। अगर मैं इसके अंदर और प्लस पॉइंट की बात करूँ तो जेएम फ्लोरेंस सोसाइटी है, उसका जो मेन गेट दिया हुआ है ये तो समृद्धि क्या पूरे नोएडा एक्सटेंशन की गारंटी है, ऐसा आपको एंट्री गेट कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। एक प्रीमियम चीज़ का गेट बनाया हुआ है इन्होंने, ऐसा गेट आपको पूरे नोएडा एक्सटेंस में किसी भी सोसाइटी का नहीं है, तो यहाँ पे समृद्धि तो कहीं कंपेयर करती नहीं है। समृद्धि का गेट बनाया हुआ है, अच्छा गेट है, बट वो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा अच्छा आपको खास लगेगा नहीं। तो इस जगह भी मैं माइनस पॉइंट देता हूँ समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू को, यहाँ पे भी आपकी जेएम फ्लोरेंस आगे निकल जाती है। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन दोनों की सेम आ जाती है। अगर नियर बाय स्कूल्स की बात करते हैं तो 10 से 12 स्कूल दोनों सोसाइटी के नियर बाय आ जाते हैं, यहाँ पे दोनों सोसाइटी बिल्कुल सेम है, नियर बाय कनेक्टिविटी रहेगी। अगर और मैं इसके अंदर प्लस पॉइंट की बात करता हूँ तो इसके अंदर जो पार्किंग का स्पेस दिया हुआ है जेएम फ्लोरेंस सोसाइटी है, उसके अंदर ओनली -1 -2 ओनली कवर्ड कार पार्किंग दी हुई है, ओपन पार्किंग आपकी नहीं दी हुई, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जेएम फ्लोरेंस अच्छी सोसाइटी आ जाती है। अगर हम उसी जगह पे बात करते हैं समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू की, तो उसके अंदर भी आपको ओपन पार्किंग देखने को मिल जाएगी, -1 -2 एंड ओपन पार्किंग दी हुई है। तो कहीं ना कहीं कंपेयर करें तो पार्किंग के मामले में दोनों सेम ही हैं, बट थोड़ी ज़्यादा अच्छी बोलूँगा तो मैं वो जेएम फ्लोरेंस को ही बोलूँगा। तो मैं बिल्कुल आज आपको जो जो इसके प्लस पॉइंट है जेएम फ्लोरेंस के वो बता रहा हूँ, समृद्धि के जो प्लस पॉइंट है आपको वो बता रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ। अगर अब हम साइजेस की बात करते हैं तो जेएम फ्लोरेंस के अंदर हम बात करते हैं, सबसे छोटा साइज आता है 2BHK का 950 square feet, 950 square feet का साइज है, उससे बड़ा आपका 1080 का साइज आता है 2BHK, उससे बड़ा आपके अगर हम साइज़ की बात करें 1208 square feet का साइज आता है 2+ study, अगर उससे बड़े साइज़ की बात करते हैं आपका साइज आता है 1390 square feet 3BHK, उससे बड़े अगर हम साइज़ की बात करते हैं आपका जो साइज आता है 1580 square feet का साइज है, प्लस 3 toilet के साथ आता है, एंड उससे बड़े साइज़ की अगर हम बात करते हैं 4BHK ऑप्शन आ जाता है 1965 square feet। अगर हम कंपेयर करते हैं सेम समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू को तो उसका सबसे छोटा साइज आता है 927 square feet का साइज आता है, उससे बड़ा जो साइज आता है 1080 square feet का साइज आता है 2+ study के अंदर। अगर कंपेयर करें जेएम फ्लोरेंस का 1208 square feet का साइज दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत छोटा देखने को मिलेगा समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू का साइज। अगर वहीं हम बात करें 3BHK तो 1325 square feet से स्टार्ट होता है आपका 3BHK, अगर जेएम फ्लोरेंस में बात करूँ 1390 square feet से स्टार्ट होता है। तो समृद्धि के अंदर 1325 हो गया, 1340 हो गया, फिर उसके बाद में आपका 1600 हो गया, 1730 हो गया, 1880 हो गया, 1895 square feet का साइज हो गया।
तो ये सारे साइजेस आते हैं 3+ एडवेंट के साथ आ जाता है, 3+ एडवेंट+ स्टडी के साथ आ जाता है। तो इसमें 4 BHK नहीं देखने को मिलेंगे, 3 BHK+ एडवेंट तक के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं सोसाइटी के अंदर फिनिशिंग की बात, मेंटेनेंस की बात। तो अगर हम एक तरीके से देखें JM फ्लोरेंस सोसाइटी को, तो वो भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन की हुई है, काफ़ी अच्छे से डिजाइन बनाए हुए हैं, फाउंटेन वगैरह हो गया, ग्रीन एरिया हो गया, अच्छे से काफ़ी अच्छे से मॉडिफाई की हुई है। अगर हम उसी जगह बात करते हैं समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू की, तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा प्रीमियम वाले फील आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर फाउंटेन भी ज़्यादा दिए हुए हैं, पेंट भी अच्छा किया हुआ है, इसकी जो मेंटेनेंस है काफ़ी अच्छी की हुई है। तो यहाँ पे दोनों कंपेयर करते हैं, तो मेरे को जो ज़्यादा मेरे हिसाब से जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपकी JM फ्लोरेंस सोसाइटी के अंदर। कहीं ना कहीं ये JM फ्लोरेंस सोसाइटी समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू को पीछे करती है, जो कि रेडी टू मूव पहले समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू हुई है, उसके बाद में पूरी सोसाइटी JM फ्लोरेंस हुई है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आज की हिसाब से जो सोसाइटी बनी है आपकी JM फ्लोरेंस आ जाते है। तो इस जगह अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, मैं समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू को 100% में से 90% देता हूँ। अगर वहीं बात करूँ मैं JM फ्लोरेंस की, तो 100% में से 100% आपको नंबर मिलने वाले हैं JM फ्लोरेंस सोसाइटी के बारे में। तो अगर आपके डाउट्स अब भी रह गए हैं तो मेरे को बताइए, मैं उन डाउट्सों को आपको क्लियर करूंगा। अदरवाइज और भी किसी सोसाइटी को आप कंपेयर करवाना चाहते हैं किसी भी सोसाइटी के बारे में, तो आप मेरे को बताइएगा, मैं उसके आपको प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट दोनों पॉइंट बताऊंगा, क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है। तो मैंने बेसिक माइनस प्लस पॉइंट बताए हैं, एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट आपको बताता हूँ। अगर हम सबसे बड़ा जो हमारा रीज़न आता है कि प्राइस को BSP समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू के अंदर ज़्यादा मिलेगी, जो कि 5700-5800 रुपये पर स्क्वायर फिट का रेट आता है। उसी जगह अगर हम बात करें JM फ्लोरेंस, तो उसका BSP जो आता है 5200 रुपये पर स्क्वायर फिट का आता है। तो इस जगह भी जो बजट के अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें आ जाती है, वो भी JM फ्लोरेंस के हिसाब से चीज़ें अपने को मिल जाती हैं। अदरवाइज आपकी और भी कुछ कह रही हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तो स्क्रीन पे नंबर शो रखा है। अगर और भी किसी प्रोजेक्ट को कंपेयर करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।